Hello, this is Dr. Anish Desai. I am the medical lead for UNS. I am also a clinical pharmacologist and a nutraceutical physician. 25th July is celebrated as the World IVF Day. In fact, in 1978, the first test tube baby was born. And since then, this whole IVF field has undergone a huge change. There are several infertile couples who are seeking help. And today with technology, diagnosis and treatment has become possible. This has led to several couples getting the ray of hope whereby they can have their children. And this is where I think the couples need to take expert opinion and expert help from the infertility specialists that are there in this country. The infertility space has undergone a huge sea of change, and that's where these infertility specialists and the IVF specialists are working together to support these couples with the modern technology and the modern diagnostic methodologies and the modern treatments to fulfill the aspirations of all the couples. So UNS has taken this special initiative to celebrate the World IVF Day. And this entire week, beginning from 25th of July, we would be celebrating this. And every day you would be hearing from our experts who have been working tirelessly to make this whole journey of parenthood possible for the couples. And they would be expressing their views and sharing their experiences and the latest technologies with you. Thank you. Agra se hoon. Aur main pichle 25 saal se IVF kar rahi hoon. Aur Uttar Pradesh ka pehle kai sari IVF ki upalabdhiyan hamare clinic ke liye hai. आज मैं आपको कुछ एक ऐसी बात बताना चाहती हूँ जो बहुत ही जरूरी है. कई बार हम लोगों के पास बहुत ही मुश्किल से केसेस आते हैं और उनसे हमें बहुत कुछ सीख मिलती है. मैं एक ऐसे ही केस के बारे में बताना चाहूंगी जो आज से कुछ साल पहले हमारे पास आए और वो कहीं बाहर से थे और बहुत उनके हस्बैंड के और वाइफ के कई सारे टेस्ट हो चुके थे, बहुत सारी इलाज हो चुका था, काफी सारी दवाई खा चुके थे और कम से कम नहीं तो 20 बार IUI करा चुके थे. और जब वो पेशेंट हमारे पास कपल आया तो एक नॉर्मल सा सीमन टेस्ट कराना बहुत जरूरी होता है और वो नॉर्मल सीमन टेस्ट में कुछ चीजें ऐसी होती है जो हमें देखनी चाहिए, जैसे कि सीमन की हम ज्यादातर काउंट और मोटिलिटी देखते हैं कि कितने शुक्राणु हैं और कितने चल रहे हैं. लेकिन उसके साथ एक और बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है जो देखना चाहिए, वो होता है मॉर्फोलॉजी, कि वो शुक्राणु की बनावट कैसी है. तो जब उसका मॉर्फोलॉजी टेस्ट किया गया तो एक एंटिटी आती है ग्लोबोजूस्पर्मिया और वो हस्बैंड के अंदर, वो सीमन के अंदर स्पर्म में वो डिफेक्ट था ग्लोबोजूस्पर्मिया, जिसमें कि शुक्राणु के ऊपर एक छोटी सी टोपी होती है जो अंडे को भेदने में मदद करती है और वो नहीं थी, वो गायब थी. और ऐसे केस के अंदर आप कितनी बार भी IUI या कोई भी इलाज कर लीजिए, बिना इक्सी या इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन के प्रेगनेंसी नहीं हो सकती. और वो एक छोटे मामूली टेस्ट के बाद उसका IVF इक्सी किया गया और आज उस फैमिली के पास दो बच्चे हैं. सो एक ये बहुत ही जरूरी मैसेज है कि एक सही जगह पे जाके सही तरह से इन्वेस्टिगेट करके फिर ही कोई इलाज किया जाए तो बेहतर होगा. थैंक यू. Hi, I am Dr. Asha Bakshi, lead consultant from Motherhood Hospital. There are lots of myths around IVF. लोगों को लगता है कि IVF यानी किसी के भी eggs ले लिए, किसी के भी sperms ले लिए, तो ये correct नहीं है. जहाँ तक possible होता है हम पेशेंट के ही स्पर्म्स लेते हैं, उसी कपल के एग्स लेते हैं. मगर कोई कोई सिचुएशंस ही ऐसी होती है जहां आपकी सहमति से हमें डोनर एग्स या डोनर स्पर्म्स लेना पड़ता है, तो वहां आपकी सहमति लेती है, रखते हैं. मगर ऐसा कुछ भी नहीं होता है कि हम आपसे आपकी बिना सहमति के कुछ भी करेंगे, हर चीज़ की कंसेंट लगती है. दूसरा मिथ ये है कि IVF प्रोसीजर कराया तो बस आराम ही आराम करना है, तो यह भी गलत है. IVF प्रोसीजर यानी आराम नहीं करना है. कभी कभी ओवरीज बहुत ज़्यादा जब स्वॉलन हो जाती, स्टिम्युलेट हो जाती है, तो हम कहते हैं कि आप अपनी एक्टिविटी कम रखो, बट दैट डजंट मीन कि आपको सोए रहना है. सोए रहना और ख़राब है क्योंकि उससे आपके पैरों में क्लॉटिंग होने के रिस्क रहती है.
तो हम किसी को भी नहीं कहते, सबको लगता है एम्ब्रियो ट्रांसफर के बाद तो मुझे नहाना भी नहीं है, कितने ही पेशेंट्स टॉयलेट जाने के लिए भी तैयार नहीं होते, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। एम्ब्रियो ट्रांसफर के बाद यूजुअली हम लोग आधा घंटा रेस्ट कराते हैं, उसके बाद आप आराम से अपना हल्का फुल्का रूटीन जो करते हैं वो कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं कि आपको बेड रेस्ट करना है। अभी कल ही मेरी एक पेशेंट है जो खुद ही ड्राइव करके घर गई है, तो ऐसा कुछ नहीं है। IVF यानी कि सिजेरियन ही होना, तो यह भी एक गलत कंसेप्शन है। IVF प्रेगनेंसी हुई है, यदि सब कुछ अच्छा चल रहा है, आप लेबर में, आपका लेबर भी अच्छी तरह से चल रहा है, तो आप नॉर्मल डिलीवरी भी करवा सकते हैं। मगर यदि कोई भी प्रॉब्लम आती है, क्योंकि ज़्यादातर IVF किनको करते हैं, जो हाई रिस्क पेशेंट्स होते हैं जिनको कोई प्रॉब्लम्स है, तो हो सकता है उनको प्रेगनेंसी में भी से ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो, डायबिटीज़ की प्रॉब्लम हो, बच्चे को ब्लड बराबर नहीं पहुंच पा रहा, ऐसी सिचुएशन में हमें सिजेरियन करना पड़ता है। मगर ऐसा नहीं है कि हर किसी का सिजेरियन कर दिया जाता है। तो ये छोटे छोटे से मिथ्स हैं, छोटे छोटे से लोगों में धारणाएं हैं, तो मैंने सोचा इसको मैं क्लियर करूं। थैंक यू वेरी मच, आप सबको वर्ल्ड IVF डे की शुभकामनाएं। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, आई एम डॉक्टर PM गोपीनाथ, डायरेक्टर एंड सीनियर कंसल्टेंट द इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी एंड IVF SRM इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंसेस वडपलिनी। वर्ल्ड IVF डे is being celebrated on 25th July every year. This is in commemoration of the birth of the World IVF Babies scientist Robert Edwards. So for his pioneering work which has led to the birth of the first IVF baby along with Dr. Patrick Steptoe, the Louis Brown, the first test tube baby, this is being celebrated all over the world. It is a joyous moment for everybody, especially for an IVF clinician, an IVF patients, an IVF babies. It is a memorable day. On this day, we try to recall the hard work done by Patrick Steptoe and Robert Edwards in producing the first test tube baby in the world. So from then on, so many changes have taken place, so many advances has taken place. Today IVF has become a common name in a gynec and infertility clinic, and almost there are about plenty of IVF centers all around doing a wonderful work. So what is IVF? IVF is when a man and woman try to conceive. They take about 5.1 months to conceive. Approximately in a cycle, the conception rate is about 20%. So when they fail to conceive in 1 year, then they call it as a subfertility. There are various reasons for subfertility. It could be a male responsible for in about 1/3, female responsible in another 1/3, and both male and female put together responsible in another 1/3. So if you have a tubal problem, previously we used to do tubal surgery and try to restore the normal anatomy, which was very difficult, cumbersome, and results were not rewarding. We are just going straight away to that IVF, which yields much better results today. The male factor, when the count is very poor, we used to resort to donor insemination before the IVF. Today, the man has got the joy of producing his own baby with the technology of IVF. So like that, there are so many indications where the IVF has produced excellent results, mental satisfaction, the emotional satisfaction for the couple and also for the treating physician. So IVF is probably one of the earliest spearheading research and the result oriented program which is going miles beyond today. I wish all the ART clinicians and doctors a happy day. Thank you.
The birth of Louise Brown in 1978 ushered in a new era in the field of reproductive medicine. Since then, millions of babies have been born worldwide, sending rays of joy and happiness throughout many families. And I am sure that it will produce further happiness and joy in a lot of families to come in years together. That's all the message I have. हाय, मेरा नाम डॉक्टर केशव मल्होत्रा है और मैं रेनबो आईवीएफ का लैब डायरेक्टर हूँ. आई थिंक आप सभी लोगों ने गुड न्यूज मूवी देखी होगी एंड गुड न्यूज मूवी में बेसिकली क्या लाइमलाइट में आ गया कि मिक्सअप्स आईवीएफ में हो सकते हैं. सो इस बारे में आज थोड़ा सा डिस्कस करेंगे. सो बेसिकली जब भी कोई पेशेंट आईवीएफ कराने आता है, आई थिंक सबसे बड़ा फियर उनका यही रहता है कि मेरा सैंपल मेरा यूज होएगा कि नहीं, एग्स मेरे हैं कि नहीं, एम्ब्रियोज मेरे हैं कि नहीं. एंड इसको अवॉइड करने के लिए जनरली मोस्ट ऑफ द लेबोरेटरीज के अंदर डबल विटनेसिंग होती है. सो डबल विटनेसिंग का जब हम बताते हैं तो बेसिकली अगर मैं काम कर रहा हूँ तो एक एम्ब्रियोलॉजिस्ट मेरे पीछे खड़े होके सारा प्रोसेस विटनेस करता है. इससे कई सारे एरर्स या अगर कोई थका हुआ है या कोई कुछ है, गलत नाम पड़ रहा है, वो सारी चीज़ें अवॉइड की जा सकती हैं. बट ऑब्वियसली यहाँ पे ह्यूमंस इन्वॉल्व हैं, एरर्स तब भी एरर्स होने का रिस्क तब भी रहता है. सो इसको अवॉइड करने के लिए अब इलेक्ट्रॉनिक विटनेसिंग है जो आईवीएफ के स्पेस के अंदर आई है. हम लोगों का पहला क्लिनिक था जिसने इलेक्ट्रॉनिक विटनेसिंग को अपने क्लिनिक में इनकॉर्पोरेट किया है. सो बेसिकली अगर आप देखेंगे तो ये इलेक्ट्रॉनिक विटनेसिंग सिस्टम है. सो इसके अंदर जैसे ही मैं डिश रखता हूँ सो सारी डिटेल्स पेशेंट की सामने टैब में आ जाती हैं. एंड अगर कोई भी गलत सैंपल या गलत डिश या इवन गलत कंटेनर पूरे वर्क स्टेशन के अंदर भी अगर आ जाए सो ऑब्वियसली सारी चीजें बंद हो जाती हैं, एक अलार्म रिंग होता है एंड ऐसे मिक्सअप्स को प्रिवेंट किया जा सकता है. सो ये टेक्नोलॉजीज हैं जो आगे आईवीएफ को और सेफ बना रही हैं पेशेंट्स के लिए. एंड आई थिंक इन टेक्नोलॉजीज की वजह से आज आईवीएफ बहुत सेफ है. पेशेंट्स को मिक्सअप्स का वरी के लिए वरी करना नहीं चाहिए एंड बेसिकली दे शुड स्टार्ट लुकिंग फॉर क्लिनिक्स विच हैव दीज प्रैक्टिस इनकॉर्पोरेटेड इन देयर सेंटर्स. सो विद दिस थैंक यू सो मच.